सो क्वेश्चन है, जब स्टूडेंट स्कोर करता है 45% तो फेल हो जाता है 25 मार्क्स से, जब 55% स्कोर करता है तो इज पास भी 36 मार्क्स। तो यहाँ पे कितना है कितना आ रहा है, 10%, 10% किसके बराबर है, प्लस करेंगे तो ये कितना जाएगा 60, तो 1% 66 के बराबर है। उसमें कितना है 4% और चाहिए, मीन 49% चाहिए। तो फाइंड द पासिंग मार्क्स एंड टोटल मार्क्स, पासिंग मार्क्स एंड टोटल मार्क्स चाहिए। सो 1% जो हमारा है वो कितना है 6, तो हमारा पासिंग मार्क्स कितना आ गया 49%। 49 मल्टीप्लाई बाई 6 कितना हो गया हमारा, दैट इज 294। और टोटल मार्क्स कितने हो गए 600, तो 294 एंड 600। तो उसमें 10% 60 मार्क्स के बराबर है, तो 100% 600 के बराबर होगा। पासिंग मार्क्स कितने हो गए, तो 45% ऑफ 600 प्लस 24, तो मीन्स 270 प्लस 24 मीन्स 294, ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसको लिख सकते 45% ऑफ 600 प्लस 24 मीन्स 294 एंड 600 आंसर।